हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फैक्ट 12। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मेहनती और कामयाब देश जापान के बारे में। हाँ भाई, जापान जिस पर अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया था, लेकिन वो आज एक डेवलप्ड कंट्री बन चुका है। क्या आपको पता है कोका कोला जापान में काला नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंट रंग का होता है? और क्या आपको पता है जापान में तरबूज गोला नहीं बल्कि स्क्वायर शेप का होता है? इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे जिसको सुनकर आपके मुंह से बस एक ही वर्ड निकलेगा, अमेजिंग ब्रो, अमेजिंग। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है आपने बचपन में बहुत सारे कार्टून देखे होंगे, लेकिन वर्ल्ड का 60% कार्टून जापान से आता है। आपका फेवरेट डोरेमोन भी जापान ही का है। फैक्ट नंबर टू, आपने कोका कोला तो पिया ही होगा, लेकिन वो काला रंग का होता है, लेकिन जापान में कोका कोला काला नहीं बल्कि एक ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। फैक्ट नंबर थ्री, आपने मोबाइल तो यूज़ किया ही होगा, लेकिन जापान में 90% मोबाइल वाटरप्रूफ यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो रात में नहाने टाइम भी मोबाइल का प्रयोग करते हैं। फैक्ट नंबर फोर, क्या आपको पता है जापान एक बहुत ही सहनशील कंट्री है और वो कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ये लोग माफ़ी मांगने के लिए करीब करीब 20 तरीकों का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत अमेजिंग है जापान के लिए। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आपको पता है जापान के लिटरेसी रेट की बात करें तो जापान का लिटरेसी रेट 100% है, जो कि दुनिया में इकलौता कंट्री है। फैक्ट नंबर सिक्स, जापान में 100% बुक पब्लिश होती है, लेकिन उसमें से 30% बुक कॉमिक्स के रूप में पब्लिश होती है। इससे ये पता चलता है कि जापान में कॉमिक्स कितना लोकप्रिय है। फैक्ट नंबर सेवन, क्या आपको पता है एक बार जापान में एक ट्रेन ने 20 सेकेंड लेट कर दी थी, तो उसके ड्राइवर ने सभी पैसेंजर से माफ़ी मांगी थी और सारे पैसेंजर के पैसे सभी को रिफंड कर दिए गए थे। फैक्ट नंबर एट, क्या आपको पता है जापान के लोग कभी भी सुबह नहीं नहाते बल्कि वो रात में नहाते हैं, जैसा कि मैंने आपको फैक्ट नंबर टू में बताया था। फैक्ट नंबर नाइन, क्या आपको पता है जापान में तरबूज गोला नहीं बल्कि स्क्वायर शेप का होता है? यहाँ के लोगों का मानना है कि इसे कैरी करने में बहुत ही आसान होता है। फैक्ट नंबर टेन, हमारे यहाँ तो वेंडिंग मशीन से बस कोल्ड ड्रिंक कैसा मिलती है, लेकिन जापान ही एक इकलौता कंट्री जहाँ पे हर वस्तु वेंडिंग मशीन से मिलती है। गली नुक्कड़ ये आपको हर जगह मिल जाएगी। बोनस आज का, क्या आपको पता है जापान के लोग करीब करीब 120-130 साल जीते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही कसरत और मेहनत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।